क्या आपने एक ऐसे कीड़े को देखा है जो पत्ते की तरह दिखाई देता है? और क्या आपने एक ऐसे आउल को देखा है जो पेड़ में बैठने के बाद तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दुनिया के 5 ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी टॉप 5 इनविजिबल क्रिएचर्स के लिस्ट में एक क्रिएचर्स ऐसा भी है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को टॉप 5 इनविजिबल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 5 पर है लीफ टेल्ड गेको। गाइस, अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह छिपता है जो कि इसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे ढूंढने के लिए आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे ढूंढ पाएंगे। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड में पाई जाती है और यह बहुत से अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गेको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेती है। गेको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है, जिससे ये उनका शिकार करता है और अपना पेट भरता है। नंबर 4 पर है लीफ इंसेक्ट। गाइस, अगर आपको स्टैचू बनने को कहे तो आप बिना हिले कितने देर तक खड़े रह सकते हैं? आप में से 19% लोग थोड़ी देर में ही हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी हिलता नहीं है। इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी पेड़ या पत्तों पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इसे नहीं पहचान पाते हैं कि ये कोई पत्ता है या जीव। एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों या पक्षियों का फेवरेट फूड होते हैं, इसलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, जिससे कि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से हो जाता है। ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ों और पत्तों पर गुजार देते हैं। नंबर 3 पर है पिग्मी सी हॉर्स। समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक छोटा सा सी एनिमल है जो कि इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर होता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल कितना छोटा होता होगा। ये क्रिएचर्स जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं और ये समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि इन्हें इंसान तो दूर जानवर भी देख नहीं पाते हैं। ये अपने ज्यादातर लाइफ सी प्लांट में बिताते हैं और ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह का कर लेते हैं जिस तरह के प्लांट का कलर और शेप होता है, और इसे ढूंढ पाना तो मुश्किल होता है। अगर आप प्लांटों को हाथ में भी पकड़ लेते हैं तो भी ये क्रिएचर्स आपको दिखाई नहीं देगा। जब साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर्स को ढूंढा था तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ 2 ही कलर बदल सकता है, येलो विथ ऑरेंज वार्म और ग्रीन विथ रेड वार्म। लेकिन 2014 में 2 बेबी पिग्मी सी हॉर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पर्पल सी प्लांट को एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया। इसे देखने के बाद तो साइंटिस्ट भी शॉक्ड हो गए। नंबर 2 पर है ईस्टर्न स्क्रैच आउल। ये आउल बहुत ही चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इसके पंखों की वजह से इसे देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। और जहाँ तक इसके आँखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े से बड़े बर्ड वॉचर्स भी इस आउल को देख नहीं पाते हैं, और ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है लेप्टोसेफलस। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब भी अंडे देती है तो उन अंडों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई मछली या बड़े जीव जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छिपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये जीव एक ऐसा जीव है जो कि देखने में मछली की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर लेते हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली ही मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात तो ये है कि इनकी पूरी बॉडी, जहाँ तक इनके ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे ये पानी में दूसरे बड़े जीव को दिखाई नहीं देते हैं। वैसे गाइस, आपको टॉप 5 इनविजिबल एनिमल्स के लिस्ट में सबसे बेस्ट एनिमल या क्रिएचर्स कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी एक एनिमल्स को रियल लाइफ में देखा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सेंड करना अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।